वेलकम टू बिहार फिजिकल रनिंग एकेडमी गांधी मैदान। जैसे कि अभी लड़का लोग का बहुत क्या रनिंग हो भी चुका था और हमारे एकेडमी से कल पांच लड़का गया था, जिसमें पांच के पांचों क्वालीफाई करके आया था। वो भी अच्छी अच्छे अंक से आया था, जिसमें कल चार आया था हमारे ग्राउंड में और आज एक आया था। कल लेट से निकलने के कारण ग्राउंड नहीं आ पाया था। आइए उनसे मिलाते हैं कि क्या प्रक्रिया था वहाँ का बहाली का, और दोपहर में जो बच्चा रनिंग कर रहा है 12 बजे 1 बजे इसका बैच का टाइमिंग है, उस समय क्या रनिंग में कोई कठिनाई भी आती है दौड़ने टाइम की? धूपा ज़्यादा है और ग्राउंड हार्ड वहाँ सरफेस सभी है। आइए हम जानते हैं इनसे कि कैसा वहाँ का रहा माहौल और हमारे एकेडमी का इनका जर्नी कैसा रहा। एक जोरदार क्लैपिंग से इनको स्वागत करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो? नवादा डिस्ट्रिक्ट। नवादा डिस्ट्रिक्ट से नहीं, हमारे संस्था सब कब जुड़े थे? सर हम 20 दिसंबर के साथ जुड़े हैं। मेरा भाई इसमें रनिंग करता है सर, उसका एक्सपीरियंस भी बहुत बेहतर था। वही हमें बोला कि जबल जाओ, इसमें बेहतर होगा, सबसे बेस्ट यहीं दिया जाता है और यहाँ एक मोटिवेशनल सारा चीज़ यहाँ बहुत अच्छा से किया जाता है। वहाँ का कितने बजे वहाँ पे टाइमिंग था? मेरा सर 1 बजे रिपोर्टिंग कर। 1 बजे दोपहर में रनिंग कर रहा है, मान लो सुबह में जो भी रनिंग कर, दोपहर में रनिंग करने का कोई कठिनाई भी हुआ था 1 बजे रनिंग करने में कोई ऐसा वहाँ पे हो रहा है सर? कि वहाँ रनिंग के समय थोड़ा पैर में फोका हो जा रहा है। हाँ, वो तो जमीन हार्ड है, खाली पैर हार्ड है और धूप में फोका हो जा रहा है। और एक मेन प्रॉब्लम है कि पैर दर्द नहीं कर रहा है और ये सांस बहुत ज़्यादा अथी कर रहा है, नाक उकलहर रहा है, गला जाम हो जा रहा है, अंतिम में वही दिक्कत कर रहा है बहुत ज़्यादा। अंतिम में लड़का लोग खींच नहीं पाता, एकदम पूरा लग रहा है कि हवा नहीं जाता है, नाक हार्ड है, वही पूरा दिक्कत कर रहा है। इसलिए थोड़ा कुछ अगर जो अभी अभी जो आने वाला टाइम है रनिंग है लड़का लोग का, उन लोग का क्या बोलना चाहते हैं जिसका रनिंग 1 बजे है या 12 बजे है, कैसे वहाँ पर वो रनिंग करे कि जो उनका टाइमिंग बेस्ट था और अच्छा से अपना क्वालिफाई करे और जर्नी भी अपना अच्छा आगे करे? सर मेरा अनुमान है अगर जो शॉर्ट मोजा पहन के जाए खाली पैर के जगह, तो वहाँ थोड़ा सा कम इफेक्ट होगा पैर पे। और है कि कुछ टॉफी या फिर कुछ वैसा चीज़ ले लीजिए जिससे गला उतना ना सूखे। आप वहाँ ले जा सकते हैं, उसके लिए कोई मना नहीं है, आप अपना पैकेट में रख के ले जा सकते हैं एडमिट कार्ड के साथ। और रनिंग से पहले उसको खा लीजिए जिससे गला कम सूखे, और नाक तो जाम हो रहा है तो उसके लिए तो कोई उपाय नहीं। वो तो रनिंग करने टाइम होगा ही। चलिए एक जोरदार क्लैपिंग। टाइमिंग तो नहीं बताया लेकिन लग रहा है मेरे अनुमान से कि मेरा 30 नंबर आ ही गया होगा। और हाई जंप कितना मारे आप वहाँ पे? हाई जंप हम सिर्फ क्वालिफाई। चलिए बढ़िया, कोई नहीं। और गोला सर 21 चला गया। गोला में भी वहाँ है कि फॉल उल यहाँ होगा ना सर, उसके लिए कोई ये नहीं है, आप किसी तरह आइए जाइए। वहीं बोल रहे हैं कि गोला खुद से उठाइए, और आगे से भी लड़का चला जा रहा है, उसको वहाँ निशान उशान नहीं दिया हुआ है, जाइए। और गोला भी लग रहा है यहाँ से थोड़ा कम ही दिया गया है, हम लोग का लंबाई कम है, हमको यहाँ जा रहा था 20 से कम ही रहता था, लेकिन वहाँ फर्स्ट टाइम में 21 चले। जोरदार वहाँ 4 लग रहा है कि 3-8 है, जैसे उसका गदा की ऊंचाई ज्यादा है, हम लोग के शायद स्टैंड भी कुछ ज्यादा 4 मारा था सर, 3-8 मार रहे हैं हम यहाँ। 4 बहुत बढ़िया। भाई हमारे संस्था में पहले से आर्मी का रनिंग करता था, हम लोग के साथ ही रनिंग करता था, वही इसको लाया था आज। ये अपना जो भी हो क्वालिफाई करके आया फिजिकल, आज इसको माला वगैरह पहना कर जोरदार स्वागत करते हैं। और जो माला पहना रहे हमारे एकेडमी का मुंशी है, उसका भी परसों दौर है, उनसे मिलेंगे परसों। कल मुंशी वहाँ पर रनिंग पे दो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, जैसे जहाँ से बैच हमारा खुल रहा है वहाँ पे मान लीजिए एक लाइन में 5 या 6 लड़का का रॉ लाइन लगाता है, वो 5-4-5 जो भी होगा 3 लाइन बन जाता होगा। कोशिश कर रहे हैं कि पहला चक्कर पूरा राइट चढ़ के हम रनिंग करें, यानी कि तुरंत अब रनिंग खुल रहा है बैच पूरा, तुरंत लेफ्ट अब सट जा रहा है। उसमें क्या हो रहा है, जो बच्चा हमारा लेफ्ट भी और जो राइट चढ़ेगा दोनों एक साथ सट के क्या होता है, गिर जाता है बच्चा। उसमें कहता लंगी मार दिया है, लंगी कोई नहीं मारता है रनिंग में। आप पहला चक्कर राइट चढ़ के दौड़िए पूरा, कम से कम 250 मीटर तक आप राइट पूरा चढ़ के भागिए। जब तक राइट नहीं चढ़ेगा आप आगे किसी से नहीं निकलिएगा, राइट चढ़ के निकलिए और एक दूसरे को काटने का कोशिश कीजिए। सभी को हफनी आता है, सांस फूलता है, और जिंदगी का 5 मिनट आपका जिंदगी बना सकता है। अगर वो 5 मिनट आप सोचिए कि हमसे नहीं हो रहा, हफनी आ रहा या सांस लेने में नहीं बन रहा, वो सारा चीज़ भूल जाइए, माइंड सोच निकाल दीजिए। जो आप सोचिएगा
वही उस रनिंग में होगा। हम जो अगर हम सोच के आएंगे कि हम ऐसे यहाँ रनिंग करेंगे वहाँ पर अच्छा रनिंग होगा, जो भी आने वाला अभी समय है, जो भी हमारा बच्चा जा रहा है, बस दो ही चीज़ मोटिव रखना है कि पहला चक्कर हम राइट चढ़ के रनिंग करें, अपना बेस्ट दे, हाई जंप हो या गोल हो, किसी चीज़ में डरना नहीं है। आपको एक यहाँ पे अच्छा बना दिया गया है, बस वहाँ पे जाके आपको अब वो दिखाना है अपना प्रदर्शन। किसी से आप लोग कम नहीं है, हमारे तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आगे आने वाले जो भी आपका फिजिकल है, और इनको भी बधाई हो अपना उज्ज्वल भविष्य के लिए। और एक और महत्वपूर्ण बात, हम लोग एक इवेंट करवा रहे थे आर्मी का ओपन रैली, वो इवेंट अभी गांधी मैदान में बिहार दिवस के कारण पूरा भी बांस वगैरह कारण ट्रैक जाम है। आप देख भी सकते हैं कि पूरा हमारा ट्रैक वगैरह थोड़ा दिखा दीजिएगा इन लोगों को, देखिए पूरा ट्रैक वगैरह हमारा अभी बंद है गांधी मैदान का। तो यहाँ पे 400 मीटर का जो भी ट्रैक है तो सारा ट्रैक बिजी है, इस वजह से अभी 1600 मीटर का बैच नहीं लग रहा है। शायद नेक्स्ट मंथ में आपको ये शेड्यूल हमारे यूट्यूब या एफ बी वगैरह के माध्यम से आपको मिल जाएगा कि बैच हम लोग कब लगा रहे हैं, और आपको फ्लायर वगैरह उसका जल्दी लॉन्च हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भारत माता की जय।